तो गाइस फिलहाल अभी मैं निकल चुका हूँ, मतलब मौसम को देख के पता ही नहीं चल रहा है रम पिए या विस्की। खुशी हो रही है, घर की कुल की पूजा है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है सीढ़ी। चलते हैं, आपके साथ आ रहा हूं मैं, थोड़ा फेमस हो जाते हैं ना जब लोग तो ऐसे ही। तो गाइस हमें मिल चुके हैं वो सर, तो अभी जॉब से इतना प्यार करते हो, साथ में डांस से इतना प्यार करते ना। सो हेलो गाइस, आज है शनिवार और आज मैं उठ चुका हूँ 8 बजे। अभी फिलहाल मैं जल्दी इसलिए उठ गया हूँ, बताता हूँ आपको क्यों। अभी फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मौसम की हालत कुछ ऐसी हो रही है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो गाइस फिलहाल अभी मैं निकल चुका हूँ, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, मुझे पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही थी। मौसम को पता नहीं क्या हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडा हो जा रहा है और कभी गर्म हो जा रहा है एकदम से, तो समझ नहीं आ रहा है यार। अप्रैल शुरू होने वाला है कल, मतलब 1 तारीख है, आज 31 तारीख है, अप्रैल शुरू हो जाएगा कल से, और पता नहीं चल पा रहा है कि ठंडा है कि गर्मी है। तो अभी फिलहाल मैं घाटी तक जा रहा हूँ, कुलदेवता का मंदिर है वहाँ पर ही है, हमने बना रखा है जो स्थान वगैरह होता है, तो वहाँ जाके साफ सफाई करनी क्योंकि कल हम पूजा करेंगे। उन्होंने बोला था 8 बजे उठ जाना और मेरे को बहुत जरूरी काम दिया था कि हाँ तुम वहाँ जाके सफाई करनी है। मैं तो नहीं उठ पाया, पापा खुद ही चले गए, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और देखता हूँ अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या काम हो रहा है। मतलब मौसम को देख के पता ही नहीं चल रहा है क्या कि रम पिए या बिस्की। फिलहाल खा रहे थे हम गाड़ी, मेरे पापा की गाड़ी, फटाफट यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है और फिर आगे जाके वो उधर पे जाके, क्योंकि कल पूजा होगी तो सब लोग आएंगे ना, तो उनके लिए थोड़ा रास्ता साफ कर देते हैं। मतलब सब लोग क्या फैमिली वाले होंगे, चाचा वाचा। तो गाइस आप देख रहे हैं गांव की वाइब्स कैसी होती है। पूजा भी पहले जंगलों में वो करती थी, अभी हद तक इन्होंने काम निपटा दिया है, आप देख सकते हो। जो मैं एक्सरसाइज करता था वो सारी आज मेरे को तलवार तलवार की हो गई है, बहुत थक जाता है इंसान। देख सकते हो अब यहाँ पर पूरा साफ कर दिया है, वो रहा अपना स्थान, वो रहे पिताजी, और अब बाकी जाके थोड़े जवान लौंडे आ गए तो उनसे काम करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अंकित बैठ जा भाई, अब बच्चों का काम है, नींद खुलती नहीं इनकी। मेरे भी बात उठे भाई, ये अब ये ना सैटरडे में सबका मन करता है सोने का। और बताइए आप, बहुत टाइम बाद हम यहाँ पूजा करने आएंगे, कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। अपना घर की कुल की पूजा है, बाकी प्रसाद हलवा पूरी बना के चढ़ा देंगे यहीं पे स्थान पे, बस अच्छा रहेगा। तो गाइस बाकी बकरा वकरा भी काटते थे, इस साल बकरा वकरा का तो कुछ है नहीं, अभी सिर्फ पूजा पूजा का है, तो पूजा वूजा करेंगे। और बहुत टाइम बाद हो रही है, कम साल भर हो गया होगा, नहीं 3 साल से गाइस पूजा नहीं हुई है इसी स्थान पर। अभी आप हालत देख सकते हो यहाँ पर, वरना साफ सफाई होती रहती थी यहाँ की, वो आपको दिख रही होगी ना, वो पुरानी घाटी है हमारी, तो दूसरी वाली घाटी जो उस साइड से होकर आती है। बचपन में यहाँ से स्कूल जाया करते थे, ये बिल्कुल कच्ची है, बहुत भयंकर हालत हो रही है इस घाटी की। ये इधर से आगे से रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ से नीचे जाती है। ये अभी यहाँ से साफ सफाई करके सीधा घर निकलेंगे। तो पूजा तो कल है, कल शायद व्लॉग ना बनाऊँ मैं कल मिनी व्लॉग बनाऊँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है एडिटिंग का। तो बाकी आज का व्लॉग है, तो आज तो सैटरडे, तो बाकी अभी देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। तो आप हमने बिल्कुल साफ सफाई कर दी है यहाँ पर, मैंने तो बहुत ज़्यादा की है, और ये लौंडे भी बहुत कार्यरत है। फिर हम यहाँ से चलते हैं। आप पहले आप देख सकते हो बहुत भयंकर हो रखा था यहाँ पर, पत्ते वत्ते हो रखे थे और झाड़ी वाड़ी सी हो रही थी छोटी छोटी, अब नहीं है, अब साफ कर दिए। आपकी कहीं तो ऐसे करते करते ही नीचे फिसलना जाए, देखिए वैसे भी कल रात की उतरी नहीं होगी तेरी झांझ। बहुत भी बड़ा आदमी है यार, ये पिए खुआओ पता नहीं। अबे सीढ़ी 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 आई सीढ़ी, कसम से बुजुर्ग आदमी होते हैं। पापा करा तो तुम नहीं, पता नहीं क्या है। वाह वाह वाह, बहुत अभी देखिए देखिए क्या बढ़िया सीढ़ी है, देखिए गाइस ये देसी स्टाइल सीढ़ी है जो कि हम गाँव में पहले इस्तेमाल किया करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। खैर हमारे टाइम पर तो थी नहीं, हमारे टाइम पर बस ये जंगल मंदिर के नाम पे एक स्थान है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है वो सीढ़ी। ये गाइस वो घाटी जो पहले हम यहाँ से उतरा करते थे, ये गाड़ी वाड़ी का रास्ता भी यही था, छोटा सा था ये रास्ता, और हमेशा नहीं ये पहाड़ गिरने का डर रहता था, पर ये पहाड़ कभी गिरा ही नहीं है। बाकी रास्ता बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, फटाफट घर चलते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं क्योंकि मैं तो बहुत जल्दबाजी में आ गया था, उठते ही आ गया था, फटाफट घर पहुँचते हैं। फिलहाल पहुँच चुका था मैं घर, और आप देख सकते हो ये रहा हमारा लल्ला जो कि धूप सिखा रही है, मम्मी इसको धूप आ नहीं रही है, और पता नहीं क्या मौसम हो रहा है यार, अभी देखना धूप थोड़ी सी है ना, थोड़ी देर में बादल हो जाएंगे, यही चल रहा है आजकल, है ना लल्ला, समझ ही नहीं आ रहा है ना बाबू। चलो खाना खा दो, मम्मी ने मेरे ऊपर फिर किया यार, देखो यार सुसु की बरसात कर रहा है पता है, तुम तो पता नहीं मेरे ऊपर कर करके चुचुप करके परेशान करेगा। आज मैंने इसकी भूपड़ी फोड़नी, पापा चुचू कर लूंगा, पापा चुचू कर लूंगा। भरता जो कि मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, तो ये आलू के पराठे का मिश्रण है, तो मैं आलू के पराठे बना रहा हूँ, लोगों को नहीं दूंगा, तो मैं नहीं दूंगा मोटी माँ।
बहुत पसंद है। तुम लोग बैगन का भरता खाओ। क्या पता फ्यूचर में अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मुझे हर चीज पहले से खुद ही आनी चाहिए, तभी मैं रेस्टोरेंट चला पाऊंगा। ये तो किसी और के भरोसे तो क्या ही, अपनी बीवी पे कम भरोसा है। अब मम्मी भी बूढ़ी होती जा रही है, मम्मी की भी हाथ में वो जान नहीं रही, तो मेरे को ही बनाना पड़ता है। थोड़ा सा गोल शेप आ जाए ना जिंदगी में शरीर के अलावा। यहाँ देखिए आप सारे बैठ के खा रहे हैं। सो गाइस फिलहाल अभी जा रहे हैं हम घूमने और ये हमारा भाई आ चुका है। हेलो तो कर दे कर, ये बहुत टाइम बाद आया है मर्चेंट नेवी में, तो 9 महीने बाद और 3 महीने यहाँ पर। तो मैं इसके साथ थोड़ी सी गेड़ी मारने जा रहा हूँ। जो मेरे पहले व्यूवर्स हैं उन लोग को पता ही है कौन है ये, हमारा बड़ा भाई है सुमित भाई है ये उर्फ पॉपी। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, मौसम तो प्यारा सा हो रहा है। पॉपी रेनकोट रख ले भाई, पता नहीं लग रहा आजकल कब हो जा रही। हेलो भाई कहाँ कौन है पता नहीं, कोई सब्सक्राइबर दिखा, अब शायद सब्सक्राइबर था या कोई था मुझे तो नहीं पता, पर कोई था उसने मुझे हाई किया, मैंने भी कर दिया। ना थोड़ा फेमस हो जाते हैं ना जब लोग, तो ऐसे ही तो ऐसे ही होता है पता। मुझे भी पता नहीं रहता कि कौन है, मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्योंकि जब फेमस इंसान हो जाता है ना उसको पता होता है उसको रिएक्ट कैसे करना होता है। तो हम तो फेमस भी नहीं है कुछ भी नहीं है, पर लोग जानते हैं। कवर ववर देखने आए थे और आप देख सकते हो कितने अनसन के कवर है, ये भी देख रहा है, एक तो ये ले रहा है ये जो कि अपनी बहन के लिए ले रहा है। तो गाइस बाकी अभी थोड़ा ऐसे करके रीड वीड रहे हैं हम, मैं अपना वाला भी बहुत प्यारा है, अभी जब कोई शीशा होगा ना तब दिखाऊंगा। कर दूंगा बाय, यहाँ आके कवर ओवर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो भाई, सही सही मत लगाना। जो मैं कहना सका मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा। तो गाइस हमें मिल चुके हैं वो सर, क्या हमें नाचने का शौक था उसे नचाना आता था। हेलो सर। हेलो, एक बार हाय बोल दो। हाय। और ये वही सर है जिनको बहुत टाइम से ढूंढा था, आज मिल चुके हैं और आप बाकी देख सकते हो सर के मुंह में एक स्माइल रहती है हमेशा, चाहे कितनी भी भीड़ हो चाहे कितना भी कुछ हो, रश हो, एक होता है ना धूप में खड़े रह के बंदा परेशान हो जाता है, और वो भी जॉब से इतना प्यार करते हो साथ में डांस से इतना प्यार करते हैं ना, तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा यार। मैं तो बहुत टाइम से ढूंढा था, आज फाइनली मिल ही चुके हैं, तो बाकी अभी यहाँ से चलते हैं यार। तो गाइस फिलहाल हम आए थे हेलमेट की शॉप में और ये हेलमेट लेना था इसको भी, मैं तो रीड रहा हूँ बस, इसके साथ समझ नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं हम ज़िंदगी में और क्या नहीं चाहते। मतलब बहुत दिनों बाद आया ना ये देहरादून, इससे पहले तो पता नहीं कहाँ ओमान ओमान था, चाइना भी गया था बीच में, वहाँ से मैंने बोला चाइनीज लिया ही लाया ही नहीं, फिर रशिया भी जाने की सोच रहा था, मैंने बोला रशिया नहीं गया। बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस बाकी हेलमेट देखते हैं। फंस गया कोई, मैं कह रहा था पैडिंग ज्यादा टाइट है, मेरे तो मुंह में फंस जाएगा भाई जी। थोड़ा छोटा है भाई जी मिल ले। सो गाइस हमने ये वाला हेलमेट ले लिया है जो कि भाई को पूरा ये लेंस वेंस लगा के 2100 रुपए का पड़ा है। इसको ये वाले शौक है, मुझे तो खुले वाले, मेरा दम घुटता है ये वाले शीशे, जब भी पहनते हैं ना तो दम सा घुटता है, अजीब सा होता है इसको, इसी वाले का ये इस पर सही लगता है, अच्छा भी लग रहा है। देखो मैं खुद ही इतना बड़ा हूँ और सर पे और बड़ा लगता है तो अजीब लगता है। तो बाकी अब यहाँ से काम वाम तो निपट चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ घर जाते हैं, थोड़ा सा पनीर ले लेता और थोड़ा चिकन ले लेता। और कहाँ घूम रहे थे? पैसे बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। इधर फेंकना, जब भी फेंकोगे ना तो इस तरफ को ऐसे फेंकना और बता के फेंकना, मैं से कैच करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ओके, तो कैसे फटाफट मार दे, टाइम कितना 2:30 बज चुके हैं, बनते बनते 3 बजी जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर बन चुका है, पनीर भी है, मीट भी है और ये भी है। और बताओ फिर भाई साहब, पूरा ही खाऊंगा ये थोड़ा, मतलब बिल्कुल पेट वेट साफ करके आए हैं कि भयंकर खाऊंगा आज, मैं बनाता भी आपको लोगों को पता ही है, फटाफट खाना वाना खाएंगे। बारिश शुरू हो गई है, मैंने बोला था ना दिन में भयंकर धूप होगी और शाम को बारिश शुरू हो जाएगी, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मौसम कितना गंदा हो गया, बारिश की बूंदें आ चुकी है। तो गाइस यही होता है हमारे साथ, देहरादून इज देहरादून। तो खाना वाना खाएंगे फिर मिलेंगे आपसे। 10 रुपए 10 रुपए हर माल, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ठीक लग रहा है। देखो चखने के लिए भैया करे। सो गाइस जी अभी वो सामान सामान ले रहे हैं, ठीक है वैसे 10 रुपए में क्या ही बुरा है यार, मैं तो बोलता हूँ 10 रुपए में कोई सामान मिल रहा है तो क्या ही मिलता है आज की डेट पे। और अभी लल्ला सो रहा है भाई साहब, जब आए तुम्हारा पेट अंदर था, बाहर हो गया। ये तुमने खिलाया इतना स्वादिष्ट, मजा आ गया यार। ये लड़का बहुत अच्छा है,
जो इंसान मेरी तारीफ कर दे वो मेरे लिए भगवान है। तो गाइस आज डिलीवरी वाले भैया आने वाले थे, तो मैंने मंगाई थी कुछ टी शर्टें, मैंने ये शालू ने मंगाई थी मीशो से। आजकल पता नहीं बहुत कुछ मंगाती रहती है मीशो से, तो मैंने बोला टी शर्ट देख ले, तो दिखने में तो अच्छी लग रही थी, अब देखते कैसी होती है। भैया अभी फिलहाल यहाँ बैंक तक आ गए, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। आप मौसम देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यार, मस्त सा लग रहा है। और ये हमारी बीवी, सुंदर सी बीवी, हेलो कर दो बीवी। हेलो हेलो, कैसे मर्दों के चला चलते हुए क्यों? तो कंधे में हाथ कैसे डाला था तूने मेरे? ऐसे चलते हम, हटा दे ऐसे, गांव वाले देखेंगे मेरे। कंधे में हाथ डाल रही भाई मेरे, तमीज है नहीं, मैं बिल्कुल तमीज नहीं सोला आपको, क्या बताऊँ मैं आपको। तो भैया तो नीचे तक नहीं आ रहे, आ रहे थे फोन के लिए, कवर ही नहीं मिला यार वाला। जब मैं तुझे वाला फोन दे दूंगा ना तो कवर भी रख लियो। आया नहीं है पर मतलब मेरा सामान नहीं आया, इन लोग का आया है। मुझे लेके ऐसे गई थी, फिर पैसे लेने गई थी उससे, बहुत तेज है भाई, बहुत ज्यादा पर्स है क्या? बहुत सारे पर्स, एक दो तीन और एक बेल्ट भी है। अच्छा, ऐसे ही पर्स चार है? ऐसे क्यों आएंगे यार, उसमें वैरायटी देती है उन्होंने, छोटी बड़ी पर्स दे रखी, वो स्टाइल से एक ये थोड़ा छोटा ले जाना है। मेरी टी शर्ट तो आई नहीं, दिमाग खराब लेगी, अबे था मोटे तेरी टी शर्ट आई ना मेरी आई, दोनों में से किसी की टी शर्ट नहीं आई मोटे, दिमाग खराब। सो गाइस फिलहाल भैया चले गए थे घर और अब हो रही थी शाम, तो मैं लल्ला को खिलाते खिलाते और लल्ला मेरे साथ खेलते खेलते, तो हम दोनों, मैं तो सो जाऊंगा क्योंकि मुझे आ रही है नींद, बाकी सुबह जल्दी भी उठ गया था आज, काम काम करने गए थे ना इसलिए। तो आपसे ऐसे मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ और नए ब्लॉग के साथ। और जो कार वाला चैलेंज है मैं कहीं जल्दी करने वाला हूँ वो चैलेंज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और शेयर करते रहना और हमें आगे से आगे बढ़ाते रहो। हन लल्ला एक बोल दो, सब्सक्राइब टू माय पापा चैनल, आई लव यू। तो आपसे ऐसे मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।